गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अम्ल क्षार और लवण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में बच्चों, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, विभिन्न प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप के अम्ल का स्रोत क्या है। जैसे लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से कौन कौन से अम्ल हमें प्राप्त होते हैं, और ये जितने भी अम्ल हैं बच्चों, ये कार्बनिक अम्ल हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये कार्बनिक अम्ल हैं, और हम सभी जानते हैं कि कार्बनिक अम्ल प्राकृतिक स्रोतों में पाया जाता है, प्राकृतिक पदार्थों में पाया जाता है। चाहे वह पदार्थ पेड़ पौधे क्यों ना हो, चाहे वह पदार्थ जीव जंतु क्यों ना हो। तो बच्चों, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनसे कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं, और इन्हीं कार्बनिक अम्ल से हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, और इससे आप सभी सवाल आसानी से हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस प्राकृतिक स्रोत और उन स्रोतों में पाए जाने वाले कार्बनिक अम्ल के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहला जो प्राकृतिक स्रोत है, जिसे हम सिरका कहते हैं, और बच्चों सिरका को हम लोग विनेगर कहते हैं, और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बच्चों, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। दूसरा जो प्राकृतिक स्रोत है, इसे हम संतरा या नारंगी कहते हैं, और बच्चों आपको पता है इसे हम लोग ऑरेंज भी कहते हैं। तो ऑरेंज में या संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम लोग साइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो साइट्रिक अम्ल ना सिर्फ संतरा में, ना सिर्फ नारंगी में, बल्कि ये नींबू में भी पाया जाता है। तो बच्चों, जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, सभी साइट्रस फ्रूट्स में ये साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तीसरा जो प्राकृतिक स्रोत है, जो हमारा नेचुरल सोर्स है, उसे हम इमली कहते हैं, और इमली को हम लोग इंग्लिश में टैमेरिंड कहते हैं। तो बच्चों, टैमेरिंड में जो अम्ल पाया जाता है वह अम्ल है टार्टरिक अम्ल। जी हाँ बच्चों, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, और ना सिर्फ इमली में बल्कि यह अंगूर में भी पाया जाता है। बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस अम्ल को याद कर लेंगे, तो हम लोग तीसरे स्रोत को भी याद कर लेंगे कि इमली और अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम टार्टरिक अम्ल कहते हैं। चौथा स्रोत है बच्चों टमाटर, यानी टोमेटो, और टोमेटो में जो महत्वपूर्ण अम्ल पाए जाते हैं उसे हम ऑक्जेलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। पांचवा, दही या खट्टा दूध, जिसे हम कर्ड या सावर मिल्क भी कहते हैं, और दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों, तो याद रखोगे, दही या खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सिक्स्थ में है नींबू, यानी लेमन, और नींबू में भी पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। मैंने आपको अभी दूसरे स्रोत में बतलाया था कि
कि संतरा नारंगी के साथ साथ नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सातवां जो स्रोत है उसे हम कहते हैं लाल चींटी या चींटी का डंक। तो लाल चींटी में भी बच्चों मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। आप देख रहे हैं सेवेंथ में मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल लिखा गया है, तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, मिथेनोइक अम्ल जो है IUPAC नाम है और कॉमन नाम फॉर्मिक अम्ल कहलाता है। आठवां स्रोत हम लोग देखेंगे नेटल का डंक। तो बच्चों नेटल के डंक में मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी पाया जाता है जो कि एग्जामिनेशन में पूछता है। नाइन्थ एप्पल, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मैलिक अम्ल। तो यहां पे नोट किया हुआ है, आप इसे देख लेंगे, याद कर लेंगे। दसवां जो स्रोत है अमरूद, अमरूद में कौन सा अम्ल होता है? तो अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखोगे टमाटर और अमरूद दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। मैंने यहाँ टमाटर में भी लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल और अमरूद में भी लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। 11 जो स्रोत है हमारा मक्खन, जिसे हम बटर कहते हैं, और मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसको आप याद कर लोगे। 12 यानी 12 में चाय लिखा गया है। चाय एक प्राकृतिक स्रोत है और चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। बच्चों वसा में 13, वसा यानी फैट, वसा में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम स्टीयरिक एसिड या स्टीयरिक अम्ल कहते हैं। 14 यानी 14 मधुमक्खी का डंक यानी हनी बी स्टिंग। तो बच्चों हनी बी या मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल पाया जाता है उसे हम मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लोगे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे स्रोत प्याज, 15वें नंबर पे प्याज लिखा गया है और प्याज में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन प्राकृतिक स्रोत 16 आंवला। तो बच्चों आंवला और प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने एक तरफ प्राकृतिक स्रोत लिखा है और दूसरे तरफ अम्ल का नाम लिखा है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ना सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो इस सभी प्राकृतिक स्रोतों में पाए जाने वाले अम्ल को आप जरूर याद कर लें और अधिक से अधिक यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत सारा अंक ला सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी प्रश्न, इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।